हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरो नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहाँ दोस्तों स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आपके जो पीडीएफ आई है उसको एक तरह से आप एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लेन करें तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ कुछ टर्म एंड कंडीशन है नॉर्थ सेट सिक्स एम्स अलोकेशन के अब क्या आप कुछ कर सकते हैं या आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ये एक बड़ी दुविधा भरी बात है क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा रहेगा कि सर हमारी कैटेगरी ये है हमें ये मिलना चाहते हैं बहुत सारी भ्रांति होगी बहुत सारे डाउट होंगे लेकिन एम्स ने एक चीज़ लिख दी है कि एक्सेप्ट करना है क्या करना है कैसे करना है इन सब दुविधा के क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आपके सामने एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर किोशा नर्सिंग एकेडमी पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप है ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप नोट सेट सिक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और समहाउ कहीं ना कहीं आप अगर सेलेक्ट नहीं हो पाए हो और प्री क्लियर किया हुआ है तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रिपेयर कराएंगे 7 की आप व्हाट्सएप के नंबर एट फाइव जीरो टू जीरो सिक्स फाइव जीरो एट जीरो पे हमें संपर्क कर सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे उम्मीद है मैं आपकी दर्द आपकी परेशानी समझ सकता हूं लेकिन बने रहिएगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जरूर आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी की एक बात मुझे याद आ गई उसको लेके आया हूँ द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग नॉट इन एवरी टाइम यू फेल सो अगर किसी को सलेक्शन नहीं मिला है तो डिस्करेज नहीं होना है बल्कि फिर से उठ खड़ा रहना है और जब तक आप सक्सेस नहीं मिले तब तक आगे बढ़ना है आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या नहीं है यही ऑप्शन है फिर से जुड़ जाओ लग जाओ खड़े हो जाओ दौड़ो भागो सक्सेस जरूर मिलेगी मैं लिख के देता हूं बस एक ही बात कंसिस्टेंसी इज द की नॉर्थ का एग्जाम हो गया एक महीने से आप बैठे हुए हो रिजल्ट का वेट कर रहे हो ऐसा नहीं करना है अगली दिवाली से पहले नौकरी लेनी ही है तो काम करना ही पड़ेगा फिर नर्सिंग अकेडमी ये कुछ सक्सेस स्टोरीज है कंप्लीट कोर्स किस कोर्स के साथ लाइव फ्रॉम स्टूडियो के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ यहाँ पे हर जगह नर्सिंग ट्यूटर लगा के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में कि नर्सिंग एकेडमी ने सबसे ज्यादा परफॉर्म अच्छा किया था नर्सिंग ऑफिसर हो गया और नर्सिंग ऑर्डर ली और ये हमारी टीम है जो पूरी सेलेक्टेड टीम है जिन्होंने वास्तव में सक्सेस अपनी लाइफ में कुछ पाया है अब जो टर्म एंड कंडीशन थे उसके बारे में देखेंगे अपन कुछ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस सेशन के बाद कमेंट जरूर डालना है आपका उस डाउट का सोल्यूशन कराया जाएगा यह मैं वादा करता हूं रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी ऑफ द कंडीशन इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है अपलोड कर लिया देखा जाएगा एनओ नहीं है अपलोड कर लिया देखा जाएगा इसलिए यह टेंटेटिव है तो वेरिफिकेशन के बाद फाइनल होगा अब क्वेश्चन ये राइज होगा अगर कोई डिसक्वालीफाई होगा तो किसी और को फायदा मिलने वाला है नहीं इस नोट सेट में नहीं हो सकता अगले नोट सेट में सीट आपकी बढ़ जाए चलिए ये तीन स्टेज वाला प्रोसेस था आपने अप्लाई कर लिया था चूज कर दिया था लिस्ट ऑफ द ऑफर इंस्टीट्यूट आपको मिल गई थी मिल गई अभी और ये थर्ड स्टेज में माय पेज से जब लॉग होगा आपको एक्सेप्ट करना है इंस्टीट्यूट अपलोड करना डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो यह लाइन यह बताती है दिस अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनली मतलब यह अपॉइंटमेंट आपका प्रोविजनल है जब आप एक्सेप्ट करोगे एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका पर्टिकुलर एम्स आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे अगर वहां पे आप फुलफिल नहीं कर पाते हो आपके पास मान लो कैटेगरी ई का भरा है और जैसे मैं पार्टी पाटीदार हूँ मैं स्टेट में तो ओ में आता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं ई में सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल में आता हूँ है ना समझ में आ रहा है मेरी बात और मैं फॉर्म ओ से भर दूंगा तो क्या एलिजिबल हो क्या नहीं एलिजिबल हूँ ये सब मिस्टेक सिली मिस्टेक बहुत सारे करते हैं तो ये एक आपको खामियाज जरा भुगतना पड़ेगा लेकिन इसका फ़ायदा बा, बाद वाले कैंडिडेट को सीट अगले साल मिलेगी इस साल तो कोई नहीं है तो प्रोविजनल है प्लीज़ नोट दैट इंक्लूजन इन दिस लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम द राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर आप इस लिस्ट के अनुसार घबराना नहीं है आपको नौकरी मिलेगी अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो, तो ये सेफ्टी पर्पज से ये पॉइंट डाला है तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है अब मिनिस्ट्री ऑफ द होम हेल्थ एंड फैमिली हेल्थफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी एम्स और बाकी जो एन सभी चीज़ें ये वैकेंसी कभी भी कैंसिल कर सकते हैं इनके पास राइट है लेकिन घबराना नहीं है कैंसल नहीं होगी समझ तो में आ गया बस लिखने की बात है अपनी सेफ्टी के लिए ऑल द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड अब आपको मैंडेटरी करना है रिक्वायर्ड करना है लेटेस्ट बाय पंद्रह छ चौबीस आपको सीट एलोकेशन को एक्सेप्ट करना होगा और डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करने होंगे इस तारीख को शाम को पांच बजे से पहले अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है आप वेट कर सकते हो मैक्सिमम बाय इसके आगे वेट नहीं करना है आपको आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो तुरंत आठ तारीख के बाद कर देना नहीं तो चौदह तारीख से पहले तो कर लेना बाकी ठीक है कैंडिडेट बीन अलोकेट इंस्टीट्यूट आर मैंडेटरी टू रिक्वायर सेलेक्ट ऑप्शन एक्सेप्ट जिसको जो इंस्टीट्यूट मिला है उसको एक्सेप्ट करना ही होगा ऑफर सीट एंड रिपोर्ट टू रेस्पेक्टिंग अलोकेशन इंस्टीट्यूट एज पर द शेड्यूल अब जिसको एम्स गुवाहाटी मिला है उसको गुवाहाटी वेबसाइट पे आपका फिर से लिस्ट आ जाएगी वो डेट देंगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है जिसको एम्स दिल्ली मिला है दिल्ली की साइट पे लिस्ट आएगी तब आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है हर एम्स का अलग अलग साइट पे आ जाएगा एक्सेप्ट एंड टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन दलोकेटेड इंस्टीट्यूट इफ कैंडिडेट इज ऑफर पोस्ट ऑफ द एम्स हॉस्पिटल एंड डज नॉट एक्सरसाइज दबो ऑप्शन विद इन द टाइम मतलब पंद्रह तारीख तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे शाम को पाँच बजे तक तो आप डिस्कालीफाई हो जाओगे मतलब फॉर्मेलिटी करनी है एक्सेप्ट करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है द अबो ऑप्शन मस्ट भी एक्सरसाइज एक्टिवली एंड केयरफुली विद इन गिवन डेट अदरवाइज द ऑफर विल्ड ऑल ऑफर सीट विल बी फोर्टिफाइड एंड डीम्ड इक्विलियंट टू रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट मतलब नेक्स्ट ईयर एड हो जाएंगी आठ तारीख से स्टार्ट होगा पंद्रह तारीख को शाम को पाँच बजे से पहले एक्सेप्ट करना हो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है मैक्सिमम अगर आपका कोई न, कास्ट का सर्टिफिकेट बाकी है तो जल्दी करे और आपको कम से कम चौदह तारीख से पहले तो कर ही लेना लास्ट डे का वेट मत करना नहीं तो बताओगे सर साइट नहीं चल रही है इफ कैंडिडेट इज ऑफर द पोस्ट ऑफ द एनी इंस्टीट्यूट एंड डॉट रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल विद इन टाइम नोटिफाइड बाई रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट देन इट विल बी मतलब आपको मान लो को एम्स मिल गया एम्स देवघर मिल गया आपको उन्होंने लिस्ट दी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस दिन आना है और आप नहीं जा रहे हो तो वो आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं दिस इज द मीनिंग बट आप तो यार पहली नौकरी लगी है तुरंत जाओगे मुझे पता है इफ़ एनी कैंडिडेट हूँ हैज बीन अलोकेटेड अ सीट एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी ऑफ द वो मैनर हिज और हर सीट अलोकेशन शेल बी स्टेंड कैंसल अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो यही लाइन है आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी घबराना नहीं है आपकी सीट कोई नहीं छीनेगा आपको आपकी सीट मिलेगी बशरते आपको कागज दिखाने होंगे और कागज तो आप दिखा दोगे कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए लेटेस्ट होना चाहिए आपके 2000 मतलब तो, फर्स्ट अप्रैल 2023 से 31 तो, कितना तो, हाँ 31 मार्च 2024 के बीच का होना चाहिए दैट्स इट तो थैंक यू वेरी मच अगर आपकी कोई क्वेरी है कोई डाउट है व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है या हमारा नंबर आपको एट फाइव जीरो टू जीरो सिक्स फाइव जीरो एट जीरो आप संपर्क कर सकते हो किरोशा एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो ज़रूर आपको हेल्प करी जाएगी और आपने प्री क्लियर किया है तो मेरा वादा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और आपका नोट सेट सेवन क्लियर करके दिखाएंगे थैंक यू दोस्तों